हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाई साहिल चौर यूट्यूब चैनल। आज है 9 अप्रैल और देखिए 9 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भाई, चुनाव संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट जिसका नाम है बूथ राबता, ये पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह 5 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। और देखिए, गुजरात में अभी पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया अजीत डोभाल जी ने। डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू की गई है। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। आईसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है पंकज आडवाणी ने। अभी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। और देखिए, 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून को पारित किया है। और यूएई का जो अबू धाबी है, यहाँ का मस्तर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2024 को मनाया है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव एस शोमेकर को नियुक्त किया गया है। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, EIU की रिपोर्ट। इसके अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह बन गया है सिंगापुर। और देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच यह आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में। और अभी HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है कपिल भाटिया को। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए, अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 2024 के, ये सिंगापुर में आयोजित किए जाने थे, लेकिन अभी इनकार कर दिया है सिंगापुर ने। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जिम्बाब्वे में बहुत भयानक सूखा पड़ा था, इतना भयानक कि यहाँ पर बहुत से हाथियों की भी डेथ हो गई थी। तो इसी कारण जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। और देखिए, जो रोमानिया है, यहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है, ठीक। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन को नाटो के जो हेड हैं उनके द्वारा 100 अरब डॉलर की फंडिंग करने की घोषणा की गई है, यानी कि 100 अरब डॉलर की फंड देने की बात कही गई है नाटो के प्रमुख के द्वारा। सिंगापुर की जो कैपिटल है, सिंगापुर सिटी है, करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री है ली सिन लूंग और राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के थर्मन सनमुगरत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस यानी कि नेशनल हैंडमेड डे किस दिन मनाया गया है। तो यह अभी 6 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और यह क्यों मनाया जाता है, तो जो हैंडमेड आर्टिकल हैं इनको प्रमोट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार जो अप्रैल का पहला शनिवार है ये पड़ा था 6 अप्रैल 2024 को, इसी कारण यह दिवस 6 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। और 2024 में जो राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया, इसकी थीम आपको याद रखना है, हस्तनिर्मित उत्पाद खरीदें, यानी कि बाई हैंडमेड प्रोडक्ट, यह थीम आपको याद रखना है। अच्छा, जो अप्रैल माह में अदर महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उसमें 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये अप्रैल मंथ में अभी जो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर DG यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। देखिए, जो गोवा है,
गोवा का जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहीं पर अभी डीजी यात्रा प्रणाली को शुरू करने की बात कही गई है। और जो मोपा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। और जो डीजी यात्रा प्रणाली है, यह शुरू करने वाला जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह 14वां इंटरनेशनल पोर्ट है। अच्छा, जो डीजी यात्रा प्रणाली है ये क्या है, तो इसके माध्यम से जो टिकटिंग की प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती है। डीजी यात्रा प्रणाली यात्रियों को अपने मोबाइल ऐप पर अपने आधार नंबर को डीजी यात्रा प्रणाली से जोड़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार कब तक यूरिया का आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 2025। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत में जो यूरिया का आयात है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री हैं कौन? तो मनसुख मंडाविया जी, ये हैं केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री भारत में। ठीक है, और देखिए, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में तैयार होने वाला जो पहला कार्बनिक यौगिक है ये कौन सा है, तो ये हो जाता है आपका यूरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो देखिए, जो सबसे अधिक डोपिंग के मामले हैं ये पाए गए हैं भारत में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो वाडा है इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे एग्जाम में पूछी जाए, तो वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ का उपयोग ना हो, ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैनेज की जाती हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। अच्छा, जो रूस है यह ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जापान जो है यह लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जापान। और देखिए, जो चाइना है इसके द्वारा अभी वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और देखिए, अभी एप्लीकेशन पर आपको ऑफर मिल रहे हैं जो नवरात्रि के लिए विशेषकर ऑफर रखे गए हैं, ये आज मिडनाइट से स्टार्ट हो जाएंगे और टिल द एंड ऑफ द 16th अप्रैल 2024 तक यह चलने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी तैयारी हो रही है तो उसमें सबसे बेहतर कोर्स आपको कम प्राइस में मिलने वाले हैं, तो आप यहां से जाके अपने जो भी कोर्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जा नजमी वजीरी, इनको भी दिल्ली में वनों की सुरक्षा के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, नजमी वजीरी की। और देखिए, जो राजीव सिंघल हैं इनको भी टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार झा को कोकड़ रेलवे कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो संजय नायर हैं इनको भी एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड यानी कि ग्लोब के खतरों का आकलन किया है? तो यह किया गया उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, राजधानी इसकी देहरादून और गैरसैंण है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा की 70 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है और जिलों की संख्या है 13। यहाँ की जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री। और देखिए, जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, यहाँ पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर निकेश जैन। अभी इनको ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से
सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शन है उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है मिशेल टेलाग्रांडे, क्योंकि इनको अभी एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह एबेल जो पुरस्कार है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे गणित के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। रिकेन यामामोटो यह जापान के हैं, इनको भी प्रिजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रिजकर अवार्ड जो है यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है और इसे वास्तुकला के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, जो अमिताभ घोष हैं इनको भी नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 जो है यह मिला है अमिताभ घोष को। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए, जो मीराबाई चानू हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये वेट लिफ्टर हैं यानी कि भारतीय भारोत्तोलक हैं। ठीक है, इनको भी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया है और ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। नेक्स्ट, एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, NCDFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मीनेश शाह को NCDFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, देखिए, जो NCDFI है यह क्या है? तो जो NCDFI है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया ये है NCDFI की फुल फॉर्म। अभी NCDFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मीनेश शाह को। बाकी देखिए, जो अर्णब बनर्जी हैं इनको भी ATMA यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मौसमी बसु हैं इनको जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो हंसा मेहता हैं इनको UPSC के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसको मैंने आप सभी के लिए आज होमवर्क दिया था। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 पुरस्कार खिताब किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो ये रही मेरी आज की क्लास, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।